किसान। प्रेम जी ये क्या कर रहे हैं आप लोग खेत में? हम गोबर मंठा गौ का मूत्र मिला कर छिड़क रहे हैं और बाजा बजा कर आवाज़ के साथ, ये कि टिड्डियाँ इसमें भाग जाए जो हो, तो इसीलिए कि हम लोगों को हर चीज़ बर्बाद हो चुका है, हम लोग खाने पीने के मुश्ताक हैं। किस तरीके का डर सता रहा है टिड्डे को लेकर के, क्या क्या आप लोग उपाय कर रहे हैं खेतों में? हम लोग बनारस के कृषि वैज्ञानिकों से, BHU कृषि वैज्ञानिकों से बात किए तो उन लोगों ने कहा कि मंठा गोबर और गौमूत्र का अगर छिड़काव किया जाए तो टिड्डियां नहीं बैठेंगी, साथ ही साथ अगर धुआं कर दिया जाए उसी में भी तिसवट का अगर धुआं किया जाए तो टिड्डियां नीचे नहीं बैठेंगी, आगे बढ़ जाएंगी। और फिर उसी तरह से बाजा जो ये हम लोग लगातार बजा रहे हैं, इससे भी जब वाइब्रेशन होगा तो टिड्डियाँ नहीं बैठेंगी। क्योंकि बनारस का किसान जो है लॉकडाउन के कारण से, आप देख रहे हैं कि जिस खेत में खड़े हैं, फूल की खेती है, सब्जी की खेती है, ये लॉकडाउन के कारण से पूर्णतया बर्बाद हो चुके हैं। अब हम लोग मक्का का नई खेती हम लोग किए थे, और भी उधर देखिए बाजरे की खेती, यहाँ प्रगतिशील किसान हैं, छोटे छोटे किसान हम लोग हैं और खेती किए हैं कि अब आगे लॉकडाउन जो अभी खुल रहा है उसमें कुछ हम लोग को आमदनी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से टिड्डियों का प्रकोप है, जिस तरह से प्रशासन आज रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, और सबसे पहले बनारस का अराजी लाइन ब्लॉक को ही अगर अलर्ट किया गया है, क्योंकि बगल का सुन रहे हैं कि बगल में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में टिड्डियाँ आ गई हैं, एकदम सदा सटा हुआ जिला है, इसलिए हम लोग एकदम परेशान हैं कि अगर टिड्डियाँ बैठ गई तो अभी तो लॉकडाउन के कारण से हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, अब ये फसल अगर बर्बाद हुई तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोगों की जीविका पूर्णतया ठप हो जाएगी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हम लोग एकदम मुस्तैद हैं। अभी टिड्डियाँ आई नहीं हैं, लेकिन धूप हो चाहे रात हो, दिन हो चाहे रात हो, धूप हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग एकदम सो नहीं रहे हैं, तीन तीन चार चार लोग हम लोग लगातार पहरा दे रहे हैं कि किसी भी तरह से हम लोग टिड्डियों को बैठने नहीं देंगे, सारी तैयारी हम लोग करके रखे हैं। देखिए उधर पुआल रखा गया है, तिसवट रखा गया है धुआं के लिए, इधर छिड़काव किया जा रहा है, इधर थाली और डफ लेकर के बाजा लेकर के हम लोग तैयार हैं कि बजाते रहें, बैठने ही नहीं देना है, अगर बैठ गई तो फिर हम लोग भगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अगर टिड्डी उतर गई तो अंडा भी देती हैं, अगर अंडा दे दी तो उनके बच्चे भी यहीं हो जाएंगे, तो फिर वो लंबा एक प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए उनको बैठने ही नहीं देना है। इसलिए बनारस का किसान पूरा जागरूक है, हम सभी लोग लामबंद हैं, सारे किसानों की एक सहमति बनी है कि हम लोग अपने अपने खेतों में बीट बना लें और बीट के अनुसार हम सभी लोग मुस्तैद रहें, वही काम हम लोग कर रहे हैं। टिड्डी दल को लेकर वाराणसी में हम लोग पूरी तरह अवेयर हैं। आज अवेयरनेस के लिए तीन ब्लॉक जो हमारे मिर्ज़ापुर या भदोही बॉर्डर पर पड़ते हैं वहाँ पे ग्राम प्रधानों की बैठक भी हो रही है, साथ ही साथ इसमें टिड्डी दल अगर आ भी जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी तैयारियाँ हमारी शुरू हो चुकी हैं। एक तो केमिकल है उसका स्टॉक टेकिंग कर ली गई है, करीब 2000 लीटर से ऊपर हमारे यहाँ केमिकल अवेलेबल है। इसके साथ फायर ब्रिगेड के टेंडर्स हैं उनको भी हम लोगों ने अलर्ट पॉइंट पर रख दिया गया है। इसके बाद कुछ स्प्रे पंप्स हैं जो नगर निगम से लिए जाएंगे, और इसके बाद कुछ मैनुअल पंप्स हैं जो ग्राम सभाओं को दिए गए हैं और जो कोविड के अंतर्गत ऑलरेडी स्प्रे कर रहे हैं, ऐसे पंप भी तीन ब्लॉक पे 100-100 की संख्या में आज हम जमा करवा रहे हैं। 100-100 सफाई कर्मी भी हर ब्लॉक पे हम लोग आज इकट्ठे कर रहे हैं, नाम फ़ोन नंबर सहित, ताकि उनको आवश्यकता पड़ने पर 2-3 घंटे की नोटिस पर बुलाया जा सके। हर ब्लॉक में 10 ट्रैक्टर और 10 टाटा मैजिक भी अरेंज करने के लिए कहा गया है, ताकि जैसी ही नीड हो एक दिन के बेसिस पे उनको किराए पे लेके चलवाया जा सके। तो पानी के सोर्सेज हैं वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, पानी में केमिकल घोल के तत्काल स्प्रे करने का काम रात में शुरू हो सके और दिन में अवेयरनेस के माध्यम से हम लोग डाटा जनरेट कर सकें, ये दोनों काम चालू हैं। फिलहाल वाराणसी में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ापुर सोनभद्र के बॉर्डर पे लास्ट ये टिड्डी दल का लोकेट हुआ था, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वाराणसी में वो आएँ, लेकिन फिर भी अगर आने वाले 3-4 दिन में ऐसी कोई विपत्ति आती है तो वाराणसी में पूरी तरह तैयारी चालू है। किस तरफ के एरिया को मेनते हैं? मुख्य रूप से जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का एरिया है उसमें साउथ साइड से अगर एंट्री होती है तो हमारा जो अराजी लाइन ब्लॉक है, काशी विद्यापीठ ब्लॉक का कुछ पार्ट है और सेवापुरी ब्लॉक है, ये तीन ब्लॉक हैं ज़्यादा अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, जो दक्षिण साइड में है या पश्चिम साइड में ज़िले में हैं, तो सबसे पहले एंट्री होगी तो वहीं से होगी। वैसे तो जनपद के 8 ब्लॉक में तैयारियां चालू करवा दी गई हैं, परंतु स्टैंड बाई में जो सुविधाएँ
जो स्प्रेयर्स की और हमारे गाड़ियों की और सफाई कर्मियों की रखी गई है वो इन तीन ब्लॉक में करवाई गई है, ताकि पहले इनके अटैक को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकें और टिड्डी दल को ख़त्म कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में वो आगे भी ना जा सकें। धन्यवाद।